कल तय करें या सालों बाद तय करें, लेकिन तय हम ही करेंगे, क्योंकि खुद को समझना और उसके अनुसार खुद को तय करना हम सीख रहे हैं। हो सकता है तब तक हम में से किसी का अस्तित्व रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बदलाव चलता रहेगा। और इस बदलाव में ये किताबें भी बदलेंगी, और हो सकता है कि इस बदलाव में कुछ किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिसमें समानता का, न्याय का, करुणा का, प्रेम का जिक्र ही ना हो, क्योंकि उस वक्त जिस किताब में इन सब चीजों के बारे में लिखा रहेगा वही उस वक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ रहेगा। ये बात मुझे आज मेरे बाबा और गुरुजी ने बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आकर बता दूं, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग आंख और कान बंद करके भी मान लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको समझनी चाहिए। छोटे हो, ना समझ हो, ना समझ होता तो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने नहीं कहता, क्योंकि उन दोनों के सामने अगर मैं कुछ कहता तो आपको लगता कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आया। आत्मा और परमात्मा को जिन्होंने एक कर दिया है, उनके लिए कैसा मान, कैसा सम्मान, कैसा अपमान। किंतु तुम नहीं समझ पाओगे। आत्मा परमात्मा, इनको अगर समझना है तो एक संकल्प लेना होगा, अपने तन और मन को एकाग्र करके एक गहरे चिंतन में डूबना होगा। अरे बड़े बड़े लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। तुम तो ठहरे छोटी जाति के अज्ञानी, तुम क्या समझोगे ये बातें? मेरी आई को दवा देनी थी और दवा के लिए पानी चाहिए था, और आपको मानने वाले लोग दीवार बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया। अगर यही आपके चिंतन का निचोड़ है तो ये गलत है।